Subscribe to our channel and press the bell icon. जी दोस्तों द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ. मैं हूँ एकता अरोड़ा. आज आपका लाइव बातचीत करवाने जा रहे हैं. आज का प्रोग्राम लाइव जुड़ा हुआ है डेरा सच्चा सौदा के लोगों से. हम जुड़े हुए हैं बाबा राम रहीम सिंह जी की गैर मौजूदगी में. डेरा के जो कार्य हैं वो हो रहे हैं जहाँ रुक चुके हैं. उन लोगों से मिलते हैं, उन औरतों से मिलते हैं, उनसे जानते हैं. आपका लाइव रूबरू कराने जा रहे हैं. मैडम आपका नाम क्या है? राज रानी. आपका नाम? सुमन इंसान. तो आज आप डेरा में आए हुए हो, क्यों आए हो, क्या करने आए हो? आज हमारे गुरु, आज डेरे का स्थापना दिवस है, उसके उपलक्ष्य में हम यहाँ आए हुए हैं ब्लड डोनेट करने के लिए. काफ़ी बार कर चुके हैं, 10-12 बार तो हम ये कर चुके हैं, ब्लड डोनेट कर चुके हैं. किनकी शिक्षा के अनुसार ये सब कर रहे हैं? संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह की शिक्षा से कर रहे हैं हम. दोस्तों आज आपने सच्चाई से रूबरू हुए हो कि कुछ टाइम पहले मीडिया ने बाबा राम रहीम सिंह जी के बारे में बहुत ही गलत धारणा दिखाई थी. ये लोग मानवता भलाई के कार्य कर रहे हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी पैसे के, बिना किसी दान चढ़ावे के. ये यहाँ पे आए हुए हैं, ऐसे ही लगातार ये आते रहेंगे इनका कहना है. आपको क्या कहना है? पहले भी आप इतनी बार कर चुके हो, आपको डर नहीं लगता कभी? नहीं, कोई डर नहीं लगता. हमें बहुत खुशी होती है जब भी देते हैं, बढ़ चढ़ कर देते हैं, बहुत ही हमें खुशी मिलती है इससे. आपका पूरा परिवार आता है? अखिल जी पूरा परिवार हमारा यहाँ आता है, आज भी आया हुआ है. आधे बाल पंडाल में हैं, हम यहाँ पे हैं. ये मेरी देवरानी है, मैं हम दोनों देव. आप यहाँ पे आके सुरक्षित फील करते हो? हाँ जी, बहुत बहुत ज़्यादा सुरक्षित फील करते हैं हम यहाँ. कोई डर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खुशी से आते हैं. तो आप एक औरत हो, आपको ब्लड डोनेट में ऐसा कुछ डर नहीं लगता कि हाँ इन आपको वीकनेस होगी या कुछ ऐसा फील? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता. बिल्कुल वीकनेस तो पता ही नहीं चलता, अभी हमने दे भी दिया, चाहे दोबारा भी ले लें, हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता है. दोस्तों इनके दिलो दिमाग में बाबा राम रहीम सिंह जी के दिए हुए जो मानवता भलाई के कार्य है वैसे ही करते जा रहे हैं. इनकी आस्था आपको लाइव देखने को मिल रही है. इनका जो मानवता भलाई के लिए जो बढ़ चढ़ के आना आपको दिख रहा है, इनका जुनून आज भी मानवता भलाई को लेके वैसा ही है जैसा कि बाबा राम रहीम सिंह जी के टाइम पे था. समाज को बाबा जी की ज़रूरत है, आपको क्या लगता है? हाँ जी है, बहुत ज़रूरत है. हम कहते जल्दी से जल्दी आएंगे, जरूरत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. क्या क्या कार्य में ज़रूरत है, मतलब कैसी समाज को ज़रूरत है? सभी जो आजकल मानवता भलाई के कार्य चल रहे हैं, सभी उनकी शिक्षा पे चल रहे हैं, और वो आए तो और ज़्यादा और शिक्षा मिले हमें, और मानवता भलाई के और कार्य शुरू हों. इसी वजह देते हैं गरीबों को मकान बना के देते हैं, और भी काफ़ी जैसे विकलांग लोग बच्चे होते हैं उनको ट्राई साइकिल वगैरह और भी काफ़ी मतलब चले हुए हैं वो करके देते हैं. दोस्तों आपने जाना मानवता भलाई के कार्यों में आज इनके रुकावट बनी हुई है. बाबा राम रहीम सिंह जी इनके बीच में नहीं है, ये इनके काम जो रुके हुए हैं. द फैक्ट टाइम में जुड़े रहने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ.